और दिल्ली विश्वविद्यालय के भगिनी निवेदिता कॉलेज के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में आप विधायक आतिशी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। यहां विधायक आतिशी ने अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक आतिशी ने कहा कि लड़कियों के जीवन के जरूरी निर्णय अक्सर उनके परिवार के दूसरे लोग ले लेते हैं। छात्राएं अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना सीखें ताकि मुश्किल दौर में वो दूसरों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय स्वयं उसका डटकर सामना कर पाए। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि लड़कियां खुद अपने सपनों को चुनें, दूसरों को अपने सपनों को तय करने ना दें। देखिए आज हम भगिनी निवेदिता कॉलेज में मैं आई हुई हूँ। उनका एनुअल डे है, प्राइज़ गिविंग सेरेमनी है और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली देहात के बीचों बीच ये कॉलेज, दिल्ली के एक कोने में ये कॉलेज जहाँ से इसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है, यहाँ पे एक लड़कियों के पढ़ने के लिए एक कॉलेज है जहाँ पे यहाँ की स्टूडेंट्स ने शानदार परफॉर्मेंसेस किए हैं म्यूज़िक के, डांस के, और इन प्राइज़ गिविंग के माध्यम से भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छे स्कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में 8+, 9+ की CGPA यहाँ के स्टूडेंट्स लेके आए हैं। तो हमें खुद बात की कि दिल्ली देहात में पढ़ने वाली लड़कियों को भी आज अच्छी पढ़ाई का मौका मिल रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे दिल्ली के ही हैं और दिल्ली के अलग अलग आसपास के जो देहात के इलाके हैं वहाँ से भी आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से भी आते हैं। लेकिन क्योंकि अच्छी बात क्या है कि अक्सर होता क्या है कि लड़कियों को खासकर गाँव से बहुत दूर भेजना नहीं चाहते हैं पेरेंट्स, तो इसलिए आसपास से बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर पढ़ती हैं। 2,500 लड़कियाँ हैं जो इस कॉलेज में पढ़ती हैं BA प्रोग्राम्स, BCom प्रोग्राम्स, और मुझे खुशी है इस बात की कि आई एम श्योर इतनी अच्छी पढ़ाई के बाद ये लोग ज़रूर आगे जाएंगी और अपना एक शानदार भविष्य बनाएंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।